में चल रही है। और केंद्रीय मंत्री माननीय मीनाक्षी लेखी जी आपको संबोधित करेंगी। मेरा विनम्र निवेदन है मीनाक्षी जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के मामले में ईडी ने दूसरी चार्जशीट जो है वो दाखिल की है, और हमें याद है कि जब पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी और एक्साइज पॉलिसी पर तमाम किस्म के कार्टलाइजेशन से लेकर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान करके फायदा पहुंचाने का केस जब बना था, तो हमने उस समय ये बात कही थी कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों और कैसे लुटा। तो जो काफिला क्यों और कैसे लुटा था वो सेकेंड चार्जशीट में साबित होता है। दूसरी चार्जशीट में पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि लुटने के पीछे जो कारण था वो गोवा का चुनाव था, और कैसे लुटा तो जो प्रक्रिया थी वो भी सामने आई कि इसमें एक विजय नायर नाम के जो व्यक्ति हैं वो कहा गया, उनको महिंद्रू जो पहली चार्जशीट में शामिल व्यक्ति थे, समीर महिंद्रू के खिलाफ पहली चार्जशीट थी, उनकी कंपनियों के खिलाफ पहली चार्जशीट थी, और उन व्यक्ति को जब परिचय कराया गया विजय नायर से, तो विजय नायर ने फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी से बात करवाई समीर महिंद्रू की, जिसमें उसकी सर्टिफिकेशन कि वो हमारा ही, दिस बॉय इज आर्स करके, कि बच्चा हमारा है और आप इससे खुलकर लेन देन कर सकते हैं, ऐसी जो सूचना है वो केजरीवाल जी ने खुद समीर महिंद्रू को दी। और उसके बाद चार लोग शामिल हुए इसी साजिश में, जिस में पहला नाम आता है अभिषेक बोइनपल्ली का, और जो कि कंसल्टेंट था, एक अरबिंदो फार्मा से प्रमोटर है पी सरथ चंद्र रेड्डी, तीसरा नाम आता है पेरनॉड रिकार्ड्स मैनेजर बिनॉय बाबू, और चौथा नाम आता है बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से अमित अरोड़ा का। तो ये चार नाम आते हैं। और दूसरी चार्जशीट में जो एक और खुलासा हुआ है कि वो पीएमएलए के तहत जो है ये दूसरी चार्जशीट रिकॉर्ड की गई है, और जो सेल्फ सर्टिफाइड दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आता है मनीष सिसोदिया जी का, और कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे दानिक्स के श्री सी अरविंद, उनके बयान में आया कि पहली बार उनको जो है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से एक कागज जो है सौंपा गया, और वो कागज उनको पहली बार दिया गया मार्च 2021 में, और उस दिन उनको केजरीवाल जी के घर बुलाया गया, और घर बुला के मनीष सिसोदिया जी ने उनको ये कागज हाथ में दिया और कहा कि भाई ऐसा है कि होलसेल बिजनेस में 12% का लाभ पहुंचाया जाए और पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जाए, और जिसमें जो अभी तक बात सामने आई है उसमें 6% जो है वो होलसेल डीलर के साथ लाभ जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी परमानेंट जो लाभ के लिए उसकी पत्ती डाली हुई थी, 12% प्रॉफिट में से 6% आम आदमी पार्टी का, 6% बाकी लोगों का। और साथ ही में अगर आप पूरा हिसाब किताब लगाएंगे जो कि ईडी ने लगाया है, तो 2600 से ऊपर करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और रिटेल में 125% की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो इन सब को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्टली इसमें शामिल है उनका नाम भी आया है, विभिन्न गवाहों ने नाम दिया है, और जो दानिक्स के अफसर हैं सी अरविंद, उन्होंने ये भी बताया कि 2021 मार्च में जब इनको केजरीवाल जी के घर में ये कागज सौंपा गया और रिपोर्ट बनाने को कहा गया और पहली बार ये कागज इन्होंने देखा था, तो उस समय पर जो है किकबैक्स का भी प्रावधान इन्होंने पूरी रूप से तय कर लिया था, और जो होलसेल में प्रॉफिट है वो 12% पर निश्चित किया गया था, और इस सब काम धंधे के लिए जो है इनको 100 करोड़ की एडवांस जो है किकबैक मिला था, और वो 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक है वो विजय नायर ने गोवा चुनाव आदि में खर्च किया, और
विजय नायर कोई आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनको राइट हैंड बोला जाता है, अरविंद केजरीवाल जी के क्लोज एसोसिएट है और कम्युनिकेशन इंचार्ज थे वो आम आदमी पार्टी के। 2873 करोड़ का जो नुकसान है वो आका है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और मैं यही कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, और ईडी जो है, मैं स्पष्ट रूप से आप सबके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूं कि ईडी भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में बनाई गई एक संस्था है जिसका काम भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार को आंकना है। तो ऐसी संस्था के ऊपर जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर या उप चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री व्यक्ति लांछन लगाता है, तो वो उसी से स्पष्ट होता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शक्तियों के साथ है, और वो नहीं चाहता कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि सोल ऑब्जेक्टिव जो है ईडी का वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, टू मिटिगेट करप्शन। और जो ईडी का रोल है वो लगातार और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया, और पिछले ही साल जो है एक ऐसा केस सामने आया जिसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया कि अरेस्ट की जो ताकत है, अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो करने की जो क्षमता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सर्च और सीजर की जो उनकी ताकत है पीएमएलए के तहत, वो सब जो कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है, और ईडी के पास ये सब जो है पावर्स हैं, और ये सब पावर्स जो है वो कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके का कंफ्यूजन पैदा किया करने की प्रयास रहता है, खासतौर पे उन लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और सम्मिलित रहे हैं, और जो भी गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से होने वाले कार्य हैं उनके खिलाफ काम करना जो है वो ईडी का कर्तव्य है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के काम को लेकर इस तरीके का पहले ही एक निर्णय भी दे दिया है। और इसमें जो अगर ईडी की ताकत को, ईडी की क्षमता को, ईडी के कार्य को कोई चैलेंज कर रहा है और उसको गलत ठहरा रहा है कि इट्स अ फेक चार्जशीट, मैं उसको यही कहना चाहती हूं और समझाना चाहती हूं कि आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी अपहेल्ड द पावर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड द जॉब ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज टू प्रिवेंट करप्शन। और सीधे तौर पर जो आज स्पष्ट होता है वो यही स्पष्ट होता है कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे जो गठबंधन है वो अनियमित धंधों के साथ है, और पूरे तरीके से इनका नाम इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि कोई एक ऐसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मेरे क्षेत्र की नहीं है जिसने पहले बारी में जो अनियमित ढंग से शराब के ठेके हर गली मोहल्ले कोने पर खुल गए थे उसको लेकर विरोध ना जताया हो और हम तक उसकी शिकायत ना पहुंचाई हो। एक एक ने जो है, आरडब्ल्यूए ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और ईडी ने जिस प्रकार से निष्पक्ष जांच करके ये साबित किया है कि शराब की नीति की आड़ में जो धंधा, गोरख धंधा दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने किया, वो नाम भी स्पष्ट हो गए हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के नाम उसमें आते हैं, तो समझो कि आज जो हालत है इनकी वो ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों में जुड़े हों और ऐसी कानून को मान्यता देने वाली एजेंसियों का अनादर करते हों, इसी से स्पष्ट है कि लगातार इन्होंने हदें पार की हैं और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास किया है। आई विल से द सेम थिंग इन इंग्लिश फॉर द कंजम्पशन ऑफ इंग्लिश मीडिया। दिस इज नाउ द सेकेंड चार्जशीट विच हैज बीन फाइल्ड इन पीएमएलए केस अगेंस्ट द एक्साइज पॉलिसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, वेयर बाय हाउ आम आदमी पार्टी लूटेड दिल्ली and the modus operandi of Aam Aadmi Party has been disclosed. In the first charge sheet, a person whose name was Sameer Mahindru
एंड हिज फर्म्स वर नेम्ड इन द फर्स्ट चार्जशीट अंडर पीएमएलए एंड द एजेंसी हैड क्लेम दैट महेंद्रू हैड फॉर्म्ड अ सुपर कार्टल एंड दिस सुपर कार्टल वॉज विद अलेज साउथ ग्रुप टू कंट्रोल 9 out of 32 जोन्स ऑफ लिकर वेंडिंग बिजनेस इन दिल्ली. ED has disclosed that there is a person named Vijay Nair who is not just a normal worker of Aam Aadmi Party but is a close confidant and associate of none less than the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. And it has been alleged that he received an advance kickback of 100 crores which was used for Goa elections from the South Group. ED also revealed that Aam Aadmi Party's Vijay Nair was the one who orchestrated this entire episode or this entire scam. And in this case, he was in close contact with Arvind Kejriwal and Mr. Manish Sisodia. And he was the communication in charge of Aam Aadmi Party. In one such statement, Sameer Mahindru, who was the ringleader of Super Cartel, has also disclosed that Vijay Nair made him try to make contacts with Arvind Kejriwal. When physically that did not happen, then on FaceTime through his phone, this connection was established and he himself ended up speaking to Arvind Kejriwal, where Arvind Kejriwal said, "He's our boy, he's my boy, and you can freely deal with him in any manner whatsoever." In this entire conspiracy, four other people's name has erupted. One is Abhishek Boinpalli, an alleged consultant of Abhishek Boinpalli, who's a consultant. Then Aurobindo Pharma's promoter, P. Sarat Chandra Reddy. Then Pernod Ricard's manager, Binoy Babu. Then owner of Buddy Retail Private Limited, Amit Arora. These four people's name have always also come up in the second charge sheet. The self-certifying Aam Aadmi Party's Chief Minister Arvind Kejriwal and Manish Sisodia's names have also cropped up in this charge sheet. And ED has pegged a loss of close to 2,873 crores through this scam. It is evident that Delhi excise policy of 21-22 was created to cause loss to the exchequer and benefit Aam Aadmi Party. And in this entire promotion campaign, cartels were created. Cartelization is not permitted under the law. And also, blacklisted companies were allowed to participate and were given tender to control various zones, and couple of people, Magunta Srinivasalu, his son, and Sarat Chandra Reddy and Kavita, these names have also come up in the investigation. The policy not only promoted cartelization but also fixed a wholesale profit of 12%, and this 12% profit, which was fixed at wholesale through private party, was to be divided between Aam Aadmi Party and the cartel, 6-6%, so that it's a continuous income for Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal for personal gains. 185% profit at the retail shops was also part of this particular illegitimate activity. And thus, there was a criminal conspiracy to get kickbacks from the businesses. I must also say that ED's second charge sheet has revealed a gentleman called C. Arvind, who was secretary to Mr. Manish Sisodia, Deputy CM of Delhi, has said that as per his statement, which was recorded on 7th of December 22, that in March 21, he was called at Mr. Arvind Kejriwal's residence and a document which was called the draft GOM was handed over to him, which was not discussed in any GOM, and first time he saw those papers and he was given those papers to say that formulate a policy based on this and fix 12% wholesale profit along with 185% profit in the retail business.
And this happened at Mr. Kejriwal's residence. This is a statement by the Secretary of Chief Minister. I must add here that Enforcement Directorate is a body or an institution which is meant to protect the country from the corrupt practices. And anyone who is trying to question ED is basically questioning Supreme Court, because last year's judgment by the Supreme Court has already set in motion the powers of ED and the job of ED. Judiciary has upheld that the job of ED is to mitigate corruption in the country, and time and again this has been upheld. Last year also the judgment enforced that ED's powers relating to arrest, investigation, attachment of property involved in money laundering, search and seizures in under PMLA, Prevention of Money Laundering Act, are all justified, and the verdict has cleared all those efforts which have been made to create confusion and doubts so as to the powers of ED and the kind of work that ED is supposed to do. I must say that any illegality or unconstitutionality is not non-existent in the functioning of ED. If there is any illegality and unconstitutionality, it is by the political powers who have misused their position to cause loss to the exchequer and for their own private benefits. To say that ED's case is a fake case is a challenge to the authority, not only of the ED, but of the Supreme Court, because this only goes to show that the Aam Aadmi Party is in a constant habit of challenging the constitutional authorities, and spit and run has been their policy repeatedly. And they have a close nexus with corrupt policy and corrupt people in the country, and they are causing illegal gains for themselves, because I recall and remember how in my constituency all the RWAs has approached me because of the illegal thekas and shops, liquor shop being opened in residential area, and all the people were up in arms against those shops. In addition to the fact ek ke saath ek free was causing damage to a whole lot of families in Delhi. Sanjay Sharma, Lokmat. तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस वार्ता की, जिसमें मीनाक्षी लेखी ने साफ तौर पे